सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेसु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्द गोविंद जीवन धन सिरसा गोविंद जीवन धन सिरसा वहामि राधा 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 परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के लाडले श्री युगल सरकार, धाम का समस्त परिकर समस्त सहचरी वृंद, अपार अहेतु की कृपा अपने आश्रितों पर बरसा रहे हैं अनेकों प्रकार से, कैसे भी निकाल कर इस संसार के प्रपंच से अपने चरणों में उस महान आनंद की प्राप्ति के लिए निरंतर कृपा कर रहे हैं। प्रभु ने नाम रूप लीला धाम चार के रूप में स्वयं ही अवतार धारण किया। नाम रूप में भी प्रभु हैं, रूप के रूप में भी प्रभु हैं, धाम के रूप में भी प्रभु हैं और लीला तो है ही प्रभु। इनमें और प्रभु में इतना भी भेद नहीं। नाम का रटन हो रहा है तो निरंतर प्रभु का सानिध्य है, यदि धाम में वास हो रहा है कुछ अन्य साधन नहीं है, तीन चार है ना, चारों यदि में से एक हो रहा है केवल धाम का वास और अन्य तीन नहीं हो रहे तो निरंतर प्रभु के सानिध्य में हो। लीला और रूप इसी की एक आगे है, क्योंकि बिना नाम के और धाम के लीला का और रूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता।
नाम का भी रटन निरंतर थोड़ा कठिन है, क्योंकि भजन न होइ संग बिनु। भजन करने के लिए भजनानंदी जो संत हैं, उपासक हैं, उनका संग चाहिए। प्रायः आपको जो प्राप्त करना है आपको उन्हीं का संग करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो वैसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, उन लोगों का संग करना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ रहना पड़ेगा। एक अब उदाहरण क्या दें इसके सिवा, वही है, पर यही उदाहरण चिदानंद में प्रभु की ओर लग गया तो सत्य हो गया, संसार में लग गया तो इसकी कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार कुछ उदाहरण यहीं से दिए जाते हैं जो हम सहज रूप से समझ सकें। श्री बाबा गया प्रसाद जी महाराज, पंडित बाबा कह रहे हैं, सबरे सगुण उपासक, सारे जितने भी हैं उपासक सगुण श्री श्यामा श्याम मूर्त रूप में जो हमारे लिए प्रकट हैं, महाप्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम हमारे लिए हैं, उपासक आचार्य तथा भक्तन को एक सिद्धांत है, सबका एक मत, एक ही सिद्धांत है, नाम रूप लीला और धाम, इसके बिलक कुछ नहीं है। कोई धामनिष्ठ तो वह नामनिष्ठ भी है, निरंतर नाम रटन करते हैं, कोई नामनिष्ठ है, प्रायः यही संतों की निष्ठाएं होती हैं, निरंतर नाम का रटन, धाम का वास, हर समय रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, पर ये बिना रूप और लीला का चिंतन बिना नाम के और बिना धाम के संग के नहीं हो सकता। मान लीजिए आश्रित होकर कहीं भी रह रहे हैं तो धाम का आश्रय है, तभी आपके हृदय में लीला का चिंतन हो रहा है या रूप का चिंतन हो रहा है। भगवत रसिक देव जी जब ऐसी परिस्थिति उनके सामने प्रकट हुई तो जाना पड़ा वृंदावन से, गया में प्रयागराज वहाँ जाकर रहे, तो हृदय में एक पद उन्होंने उस समय लिखा है, हमारे उर वृंदावन और, मतलब वृंदावन में हैं वो, बिना धाम से अलग नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि समस्त उपासकों का, आचार्यों का, सारे भक्तों का एक ही मत है, एक ही सिद्धांत है, उनकी स्थिति इसी में होती है, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, इन चारण में से किसी एक को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। जैसे एक चादर, उसके चार कोने होते हैं ना, तो एक तरफ से खींचो तो पूरी चादर आ सकती है ना। इसी प्रकार लीला और रूप ये आगे हैं, धाम और नाम ऐसे चद्दर के कोने, एक चद्दर के नाम रूप लीला धाम चार कोने। आप नाम पकड़ लीजिए तो पूरी चादर खींच सकते हैं, धाम पकड़ लीजिए तो नाम रूप लीला ये तीनों सहज रूप में आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि तीनों चारों में से एक का दृढ़ आश्रय कर लो, बस यही से सब सिद्धि हो जाएगी, सारी सिद्धि इसी से हो जाएगी। पकड़ लेने की बात है, दृढ़ता पूर्वक। प्रायः हम सुनते हैं अमुक त्याग कर दें, ऐसे चल लें, फिर ऐसे चल लें, इसके अनुसार ऐसे चलने से ये प्राप्त हो जाएगा। प्रातकालीन सत्संग में भी महाराज जी बता रहे थे, वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे थे, रहनी को संभालते हुए क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, और जब उसकी पूर्णता हुई तो एक बात कही, वृंदावन में रहते हुए कब ऐसा अवसर आएगा कि रात दिन नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए राधा राधा नाम का रटन करो। सार बात, धाम में रहकर ये प्राप्त होता है, निरंतर नाम का रटन करते हुए श्यामा श्याम का चिंतन, और बस सहज रूप से। बाबा कह रहे हैं जिसने एक चीज पकड़ ली सारी सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी। अपने विचार सो अपनी सामर्थ्य देखते भय श्री नाम को, नाम बहुत सहज है और अपार करुणा में है, इतना सरल, इतना सहज, सर्व समर्थ, इससे बड़ा कोई नहीं, प्रभु से भी बढ़ के नाम, और अत्यंत सहज है वो, कृपा करके बिना प्रयास के जीव्या पर स्फुरित होते रहते हैं। नाम से बड़ी कोई चीज, नाम कहीं भी आप पकड़ लो, धाम को हृदय में स्फुरित कर देगा, लीला स्फुरित हो जाएगी, रूप का स्फुरण हो जाएगा। धाम में भी रह रहे हैं तो धाम कृपा करेगा, रसिकों का, संतों का संग देगा, नाम में रति प्रदान करेगा। जहाँ नाम में रति हुई, निरपराध होकर नाम रटन हुआ, उन्मत्तता छाने लगती है, बिना प्रयास के चित्त का परिवर्तन होने लग जाता है, बहुत कृपा में नाम, नाम से बड़ी कोई चीज।
जहाँ नाम की बात आती है ना, बस इतना है कि बस कृपा, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। राम ना सकत नाम गुण गाए, भगवान भी नहीं गा सकते इसकी महिमा का वर्णन। कह रहे बस दृढ़ता पूर्वक नाम को पकड़ लो, पकड़ लो एक बार। महापुरुष जब कह रहे हैं, देखो क्या होता है। सुगम अच्छो एवं रुचिकर प्रतीत होए हैं, जिसने नाम को पकड़ लिया उसे निरंतर यही अनुभव होने लगता है, बड़ा सुगम है, बहुत अच्छा है। बाबा एकदम सरल भाषा में कह रहे हैं ना, महापुरुषों की वाणी समस्त शास्त्रों का निचोड़ होती है। वो जो बोलते हैं वो सब सार की बात बोलते हैं। ये जो भी कुछ है ना, इतना सार है, इसी बात को दोनों पक्ष रखते हुए आपके सामने वर्णन किया जाए। एक भयावह ऐसे ऐसे चलते हुए फिरिए, तब उसके बाद प्रतिपादन इसी बात का होगा। और ये सहज रूप से ये बात कह रहे हैं, पकड़ लो बस आगे बढ़ जाओ। या प्रकार सो द्वैन को आश्रय कर ले, नाम का और धाम का, धाम में बस के निरंतर नाम का रटन दृढ़ता सो कर लो, तो देखो कि क्या होता है। बहुत जल्दी आपके हृदय में प्रभु को बांध देगा। जो स्वतंत्र बांधना प्रभु को अति कठिन है, प्रभु को बांध पाना साधारण बात है। प्रभु अरे भगवान है, सर्वसमर्थ सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर, जो उपमा उनके लिए दीजिए सब थोड़ी हैं। उनको बांध के बस कर दिए, अपने बस करी राखे रामू नौकर बना दिया। क्या क्या नहीं करवा दिया, अधीन कर लिया, भक्तों के अधीन, भक्तों के चरणों का आश्रय, उनकी उपासना, बांध दिया स्वतंत्र प्रभु को बांध दिया। स्वयं कह रहे अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र एव त्वज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ अधीन हूँ। और इनको बांध पाना किसी की सामर्थ्य, ये तो केवल भक्तों के संग से जो प्राप्त होता है। बाबा कह रहे हैं दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो नाम का आश्रय, नाम सब कार्य कर देगा बहुत जल्दी। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी की सगाई की चर्चा रनिवास में होने लगी। मीरा जी तक भी बात पहुंची, वह दौड़ती हुई दूधा जी के पास गए, क्योंकि अब कोई और है नहीं। योग वाले जो गुरु जी थे निवृत्तिनाथ जी महाराज, वह पधा चले गए वहाँ से विचरण करते हुए अपने। बिहारी दास जी बाबा वहाँ विराजमान है अभी। मीरा जी सीधे दूधा जी के पास गए, जाकर उनको सारी बात बताई। दूधा जी ने कहा तू चिंता मत कर, जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक तेरा विवाह नहीं होगा, और यदि बाद में तेरा विवाह कर भी दिया जाए तो तू एक बात मान ले, ये तन का पति हो सकता है कोई हो, पर मन का पति तो केवल गिरधर तेरे। यहां मीरा जी की हो सकता है प्रभु विवाह नहीं कराते, लेकिन आदर्श प्रकट किया कि देखो मेरे भक्त हैं, मेरे लिए जीवन है, विवाह के बाद भी केवल मेरी है, तो ऐसा कौन नहीं हो सकता। सबका परिवर्तन, आगे प्रसंग में देखना, सबका परिवर्तन सहज में, ये प्रभु का प्रत्येक विधान। हो सकता है विचार आए कि इतनी बड़ी भक्त हैं विवाह क्यों कराए जब वो नहीं चाहती, केवल जगत मंगल। प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक जो भी इनके जीवन में दिखाई दे रहा जगत मंगल, और कुछ प्रभु इनके द्वारा स्वयं कहते हैं कि मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत कार्य कराना है। उन्होंने मान लिया और एकदम प्रसन्नचित्त होकर सीधे अपने गिरधर गोपाल के पास आए। श्याम कुंज में आकर गिरधर लाल जी को सामने आके बैठ गए, बहुत देर तक बस एकटक देखते रहे। यही है ये प्रेम की अवस्था, बोलें तो क्या बोलें, हृदय की बात आप सब जानते हैं, क्या आपसे कहें। ये ऐसी दशा होती है, कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं है, क्या कहना चाहते हैं ये पता नहीं है पर कुछ कहना चाहते हैं। अब ये भाषा को केवल प्रीतम समझते हैं, दूसरा नहीं जानता। इसीलिए जगत से, जगत में इस बात को जाना नहीं जा सकता, केवल प्रभु के, और इसकी निर्वाह केवल प्रभु कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा केवल आपके साथ
छल कर सकता है, निर्वाह नहीं कर सकता, और ये निर्वाह केवल प्रभु करते हैं। यही तो प्रीति है, प्रेम एक ही है, दूसरा नहीं है। जगत में हो गया, काम बन गया, मलिन हो गया, नष्ट करने वाला, दुर्गति प्रदान करने वाला, और जहाँ यही जो मलिन है ये विशुद्ध होके संतों की कृपा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु में लग गया, महाप्रेम, उज्ज्वल विमल प्रेम हो गया और प्रभु की प्राप्ति कराने वाला बन गया, जगत मंगल करने वाला बन गया। एक यही है, रास्ता बदल गया, कुछ बदलना नहीं है, जो कुछ प्राप्त है जैसे भी है बस उसको पलट देना है, कुछ छोड़ने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल पलटने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य निकल रहे हैं इधर से और आप कमर करके खड़े हैं तो सूर्य को देख थोड़ी पाएंगे, लेकिन वो अपना प्रकाश कर रहा है। यदि सूर्य को देखना है तो आप अपना दिशा बदलिए तो आप दिखाई देगा, भास्कर उदित हो रहे हैं दिव्य प्रभा से। एक टक गिरधर गोपाल को देखते रहे, फिर तानपुरा उठाया और अलाप लेकर गाने लगे, आओ मन मोहना जी जो थारी बाट, जो थारी बाट, मैं जो थारी बाट, खान पान मोही नेक ना भावे, नैनन लगे कपार, आओ मन मोहना जी जो थारी बाट। प्रभु पधारिए, मैं रात दिन आपके इंतजार में बिता रहे, पधारो। ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी स्थिति में प्रभु पधारते हैं, बस यही प्रदान करने के लिए प्रभु दूर हैं, ये आस्वादन कराने के लिए। कह रही है ना खान ना पान मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, नेत्र बंद होना बंद वो हो गए, मतलब नींद नहीं आती, नैनन लग नहीं कपाट, अब नेत्रों ने निद्रा त्याग दी। पधारो, मैं जो थारी बाट, तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट, दिल में बहुत उचाट, मीरा कहे मैं भैरावरी, छोड़ो नाही निरा जो थारी बाट। आपके बिना आए, आप जितना विलंब कर रहे हैं ना, मेरा हृदय प्रतिपल विकलता से युक्त होता जा रहा है, आप सब जानते हैं। मेरा हृदय उच्चाटन से युक्त हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, मैं राबरी हो चुकी हूँ, दासी हो चुकी हूँ आपकी, अब मुझे निराश मत करो, मेरा हाथ मत छोड़िए, अब मुझे स्वीकार कर लो। अधीरता बढ़ती जा रही है, नेत्रों से अश्रु का प्रभाव, नैनन पिचकरा, मतलब नेत्रों से एक दो बूंदे नहीं, बारिश हो रही हो, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव के लिए आता है, ऐसे नेत्रों से वर्षा होती है, कुंड भर जाता है जहाँ खड़े होते, निरंतर अश्रु का प्रभाव नेत्रों से हो रहा है। अधीर, इतनी अधीरता कि अब विकलता संभाले नहीं संभल रहे हो, ऐसे दोनों हाथों से श्री ठाकुर जी के सिंहासन को हृदय से लगा लिया।
और बस बार बार इतना कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे आपको रिझाऊं। नेत्रों से अश्रु का प्रभाव, प्रभु का अभिषेक हो रहा है। आओ आओ, आतुर प्रतीक्षा को सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और इसकी प्रतिष्ठा दाब पर चढ़ गई है। आपका वचन है ना, तो अब ये पूर्ण करने के लिए पधारिए। मेरे पास समय नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं, पधारो आप। आप मुझे, यदि आपको लगता है क्यों इतनी अधीर होते हो, तो मुझे आपने स्वीकार किया है, आप मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों आप मुझे इतने अच्छे लगते हो। थोड़ा कलह भी कर रहे हैं और मतलब लड़ाई है ना, थोड़ी लड़ाई भी कर रहे हैं और अपनी हृदय की दीनता भी प्रकट कर रहे हैं। यदि आपको नहीं आना तो आप मुझे क्यों अच्छे लगते हो, मुझे क्यों साधारण जन की तरह नहीं बनाया, क्यों मेरे हृदय को अपने प्रेम में आसक्त किया। विकल होकर रोने लगे, कोई इसका है ही नहीं, वो तो बस इसका तो प्रभु ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। निरंतर आंसुओं से प्रभु को भिगो रहे हैं। दिवस न भूख रैन नहीं न दिया, घर अंग नाना सुहाए, से जरिया बेरिन भई हम को जागत रैन बिहार। विचार करो, एक कण प्राप्त हो जाए, सारी दौड़म भाग इसी की है, और ये मिलता इन्हीं की कृपा से। अभी इसी क्षण कुछ नहीं किया, केवल हृदय विकल हो रहा है सुनकर। और जिन्हें प्राप्त है, जो अपने आप को लुटा चुके हैं, उनके क्या कह सकते हैं। यही देने के लिए प्रभु ने स्वीकार किया। अरे ना दिन भूख है, ना नींद है, ना घर सुहाता है, ना कुछ अच्छा लगता है। सेजर या बैरिन भाई, सैन करने के लिए लेटो तो नींद नहीं है, जागत रैन में रात दिन, बस जागते हुए दिन रात बीत रहे हैं याद में आपकी। हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमरे भरतार, तुम हमरे भरतार। दीन दयाल दया कर आवो, समरथ सिरजनहार, समरथ सिरजनहार। कै हम प्राण तजत है प्यारे, के अपनी कर ले दास कबीर, विरहति बाड़ो हमको दर्शन देव, हमको दर्शन देव। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।